सुकैम सोलर डीसी होम लाइटिंग सिस्टम, ये एक ऐसा सिस्टम है जो सोलर पावर को यूटिलाइज करके आपकी बैटरीज को चार्ज करता है। आप इस सिस्टम को ऐसे एरियाज में इंस्टॉल कर सकते हैं जहां पे फ्रीक्वेंट पावर कट्स की प्रॉब्लम है या जहां पे बिजली बिल्कुल अवेलेबल नहीं है। ये सिस्टम इंस्टॉल करने के बाद आप अपने इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सोलर डीसी सिस्टम के अंदर दो चार्जर्स इनबिल्ट है। पहला है 10 एम्पियर एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर, जो सोलर पावर को यूटिलाइज करके आपके बैटरीज को एफिशिएंटली चार्ज करता है, और दूसरा है ग्रिड चार्जर, जो जरूरत पड़ने पे मेन सप्लाई यूटिलाइज करके बैटरीज को चार्ज करता है। ये सुकैम सोलर डीसी सिस्टम का फ्रंट पैनल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एलसीडी डिस्प्ले प्रोवाइडेड है, जहां पे आप मैसेजेस जैसे कि बैटरी वोल्टेज, सोलर चार्ज ऑन और ऑफ देख सकते हैं। उसके नीचे तीन एलईडीज प्रोवाइडेड है, मेन्स चार्जिंग ऑन, सोलर चार्जिंग ऑन और लो बैटरी। ये सोलर डीसी सिस्टम का साइड पैनल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दो लो टर्मिनल ब्लॉक्स हैं और उसके बाद बैटरी टर्मिनल ब्लॉक है। यहाँ पे आप बैटरी से आने वाले वायर्स को कनेक्ट करेंगे। उसके बाद एक डीसी फ्यूज प्रोवाइडेड है 30 एम्पियर का। डीसी फ्यूज प्रोटेक्शन के लिए प्रोवाइडेड है। अगर आपके बैटरी के कनेक्शंस रिवर्स हो जाएं तो डीसी फ्यूज ब्लो हो जाएगा और आपका सिस्टम प्रोटेक्टेड रहेगा। ये सोलर डीसी सिस्टम का दूसरा साइड पैनल है। यहाँ पे एक एसी इनपुट टर्मिनल ब्लॉक प्रोवाइडेड है और दूसरी तरफ पीवी इनपुट टर्मिनल ब्लॉक प्रोवाइडेड है। यहाँ पे आप सोलर पैनल से आने वाले वायर्स कनेक्ट करेंगे। उसके अलावा एक एसी फ्यूज भी प्रोवाइडेड है 6.5 एम्पियर का। ये एसी फ्यूज प्रोटेक्शन के लिए प्रोवाइडेड है। अगर मेन्स इनपुट से 6.5 एम्पियर से ज्यादा करंट आ रहा है तो ये एसी फ्यूज ब्लो हो जाएगा और सिस्टम प्रोटेक्टेड रहेगा। इसके अलावा सोलर डीसी सिस्टम में एक मोबाइल चार्जिंग यूएसबी पोर्ट भी प्रोवाइडेड है। यहाँ पे आप अपने फोन को कनेक्ट करके चार्ज कर सकते हैं। अब हम सोलर डीसी सिस्टम के इंस्टॉलेशन को समझेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने सिस्टम को बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है और यहाँ पे हमने 120 वॉट 12 वोल्ट के सोलर पैनल को डीसी सिस्टम के साथ कनेक्ट किया हुआ है। आप 120 वॉट तक के डीसी लोड को डीसी सिस्टम के साथ चला सकते हैं। अगर लोड चलाने के लिए सोलर से पावर इनफ नहीं आ रही तो आप मेन्स भी सिस्टम के साथ कनेक्ट करके मेन से बैटरीज को चार्ज कर सकते हैं। अब हम सोलर डीसी सिस्टम की वर्किंग को समझेंगे। पहले सोलर पैनल्स अनकंट्रोल्ड सोलर एनर्जी को सोलर डीसी सिस्टम के अंदर इनपुट करेगा। उसके बाद एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर, जो कि सोलर डीसी सिस्टम के अंदर इनबिल्ट है, उस अनकंट्रोल्ड पावर को कंट्रोल करके बैटरीज को चार्ज करेगा। उसके बाद लोड चलाने के लिए सोलर डीसी सिस्टम बैटरी से पावर लेके लोड को रन करेगा। अब अगर लोड चलाने के लिए सोलर पैनल से आने वाला पावर इनसफिशियंट है तो मेन सप्लाई भी सोलर डीसी सिस्टम यूज करता है। मेन सप्लाई से पावर आने के बाद सोलर डीसी सिस्टम एसी को डीसी में बदल के बैटरीज को चार्ज करता है। इंस्टॉलेशन करने के लिए पहले हम सिस्टम को बैटरी से कनेक्ट करेंगे। हम 8-10 mm स्क्वायर की वायर के साथ बैटरीज को सिस्टम से कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने बैटरी वायर्स को बैटरी टर्मिनल ब्लॉक पे कनेक्ट कर दिया है। पॉजिटिव टर्मिनल पे हमने पॉजिटिव वायर कनेक्ट किया है और नेगेटिव टर्मिनल पे नेगेटिव वायर। सिस्टम को बैटरी से इंस्टॉल करने के बाद अब हम देखते हैं डिस्प्ले पे क्या शो होगा। आप देख सकते हैं डिस्प्ले ऑन हो चुका है और अभी हमें डिस्प्ले पे दिखाई दे रहा है सुकैम वेलकम्स यू। उसके बाद हाइब्रिड सोलर होम लाइटिंग सिस्टम शो हो रहा है। उसके बाद आप बैटरी वोल्टेज देख सकते हैं जो कि 12.4 वोल्ट शो हो रहा है। अब अगर गलती से आपके बैटरी के कनेक्शंस रिवर्स हो जाएं तो डीसी फ्यूज ब्लो हो जाएगा। इसे प्रैक्टिकली करके देखने के लिए हमने नेगेटिव वायर को पॉजिटिव टर्मिनल पे कनेक्ट किया है और पॉजिटिव वायर को नेगेटिव टर्मिनल पे। अब हम देखते हैं डीसी फ्यूज में क्या इफेक्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्यूज बर्न हो चुका है। अब हम एक नए फ्यूज को सिस्टम में रिप्लेस करेंगे और बैटरी के वायर कनेक्शंस ठीक करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने करेक्ट वायर कनेक्शंस कर दिए हैं। पॉजिटिव वायर को हमने पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया और नेगेटिव को नेगेटिव, और डीसी फ्यूज भी हमने चेंज कर दिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं सिस्टम नॉर्मल वर्किंग कंडीशन में आ चुका है। अब हम सिस्टम को सोलर पैनल से कनेक्ट करेंगे। बैटरी कनेक्शन करने के बाद अब हम सोलर पैनल से आने वाली 6-8 mm स्क्वायर वायर को पीवी टर्मिनल ब्लॉक पे कनेक्ट करेंगे।
आप देख सकते हैं हमने पीवी टर्मिनल ब्लॉक पे वायर्स कनेक्ट कर दिए हैं। पॉजिटिव टर्मिनल पे पॉजिटिव वायर कनेक्ट किया है और नेगेटिव टर्मिनल पे नेगेटिव वायर। अब जैसे ही सिस्टम सोलर से कनेक्ट होगा, तो डिस्प्ले पे आप एमबीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर ऑन का मैसेज देख सकते हैं। इसके अलावा आप बैटरी वोल्टेज 14 वोल्ट और पीवी वोल्टेज और करंट भी डिस्प्ले पे देख सकते हैं। अब हम सिस्टम के साथ मेंस कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने मेंस इनपुट टर्मिनल ब्लॉक पे मेंस से आने वाले वायर्स कनेक्ट किया है। नेगेटिव टर्मिनल पे हमने नेगेटिव वायर कनेक्ट किया है और पॉजिटिव टर्मिनल पे पॉजिटिव वायर। अब हम सिस्टम के साथ डीसी लोड कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने लोड टर्मिनल ब्लॉक पे डीसी लोड कनेक्ट कर दिया है। लोड टर्मिनल ब्लॉक 1 पे हमने डीसी फैन 25 वॉट का कनेक्ट किया हुआ है और लोड टर्मिनल ब्लॉक 2 पे डीसी टीवी 25 वॉट का। डीसी सिस्टम के साथ आप 120 वॉट तक का लोड कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने डीसी फैन और डीसी टीवी 25 वॉट ईच का कनेक्ट किया हुआ है। अब हम इनको ऑन करेंगे। इसके अलावा हम डीसी सिस्टम से एक यूएसबी केबल के थ्रू अपने फोन को भी चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मोबाइल चार्जिंग शुरू हो चुका है। जैसे कि हमने अभी देखा, सोलर डीसी सिस्टम सोलर पावर को यूटिलाइज करके आपके बैटरीज को चार्ज करता है और लोड भी रन करता है। इससे हमारे मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल में काफी सेविंग्स होती है। सेविंग्स हम डिस्प्ले पे भी देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं रुपीज सेव्ड डिस्प्ले में शो हो रहा है। इस एक्सपेरिमेंट से हमने देखा कि सुकैम सोलर डीसी सिस्टम फ्री सोलर एनर्जी को यूटिलाइज करके बैटरी को चार्ज करता है और उसी पावर से लोड भी रन करता है। ये एक ऐसा इंडिपेंडेंट सिस्टम है जो कि उन एरियाज के लिए आइडियल है जहां पे फ्रीक्वेंट पावर कट्स की प्रॉब्लम है या जहां पे बिजली बिल्कुल नहीं आती।